रिसेंटली बैंगलोर में स्पेस एक्सपो हुआ, जहां इसरो और प्राइवेट एजेंसीज दोनों ने अपनी चीज़ें दिखाए। मुझे किसी के वजह से, जिसे मैं नेम नहीं कर सकता, यहां विजिट करने का चांस मिला। और आज आप मेरे लेंस के थ्रू ये इसरो का पवेलियन देखोगे, प्राइवेट वाला वीडियो अलग होगा। अब देख सकते हो यहाँ इसरो के रॉकेट्स हैं, GSLV, गगनयान वाला, SSLV, PSLV, सब कुछ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड है जिसके साइड में रोहिणी RH-200 रॉकेट का एक मॉडल है जो इंटरेस्टिंग है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक रेफरेंस लेके। आप देख सकते हो यहाँ स्पेस सूट है जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। तो मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उसके ऊपर अपना जो है बातें कर रहा हूँ, तो शायद बीच बीच में लैग हो मेरा वॉइस और बीच बीच में साइलेंस हो, तो ज़्यादा ऐसा चिंता मत करना। यह है NSIL जो इसरो का कमर्शियल आर्म है और उनके लिए कमर्शियल लॉन्चेस वगैरह लाती है। जल्द ही OneWeb का लॉन्च होने वाले GSLV Mk3 पे। ये था पहले, इसका नाम HRLV यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, अब इसका नाम चेंज हो गया, अभी HLV M3 हो गया इसका नाम। यहाँ पे आप देख सकते हो 300 mN SPT यानी स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर, जो एक आयन इंजन है, उसके बजाय छोटे मोटे थ्रस्टर्स और ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन का प्री बर्नर। मतलब थोड़ा फ्यूल निकाल के हम प्री बर्नर में जलाते हैं और उस गैस को यूज़ करते हैं टर्बो पंप रन करने के लिए, जो मेन कंबशन चेंबर में पंप करता है फ्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे सेंसर्स रखे हैं इसरो ने डेमो के लिए। यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर है और राइट में आप देख सकते हो ये कैजुअली मतलब हैंडल कर रहे थे लोग, विच इज़ फाइन, उसी के लिए रखा था। और छोटे मोटे फ्यूल टैंक्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। बीच में वो बड़ा सिलेंडर है, वो एक इग्नाइटर है, मतलब माचिस बेसिकली रॉकेट के, सॉलिड रॉकेट को जलाने के लिए। ये नैनो सैटेलाइट सेपरेशन यूनिट्स, डिप्लॉयर्स वगैरह, और नीचे एक्सप्लोसिव बोल्ट्स वगैरह थे। आप फ्रीली पॉज करो कहीं भी आपको चाहिए तो, और ड्राइव लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इमेजेस चाहिए तो, पर ड्राइव लिंक का शायद टाइम खत्म हो जाए बाद में, नॉट श्योर। यहाँ पे एक आपको L10 केबल कटर यानी L10 स्टेज जो है GSLV Mk3 का, उसके ऊपर यूज़ होने वाला। शायद ये जो फोम पैड्स होल्ड करते हैं इंसुलेशन के लिए, वो जब गिरते हैं, आपने देखा होगा लॉन्च करते हो गिरते, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया उसके लिए होगा शायद, वो केबल से होल्ड होते हैं और फिर लॉन्च होते हुए कट हो जाते हैं वायर्स, तो शायद उसके लिए है ये, श्योर नहीं। पर साइड में आपको बोल्ट कटर्स वगैरह भी दिख रहे हैं, तो ये शायद जब स्टेजेस सेपरेट हो, जब एक्सप्लोसिव बोल्ट्स इस्तेमाल होते हैं कुछ केसेस में, जब लॉन्च पैड पे भी होता है, तो शायद उसका होगा। पूछने नहीं मिल रहा था क्योंकि इसरो साइंटिस्ट काफ़ी बिजी थे दूसरों के साथ और मेरे को डर भी लग रहा था कि कोई पहचान लेगा तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे घाई घाई में हूँ। यहाँ पे काफ़ी बड़ा पवेलियन था, आप देख सकते हो इनका। यहाँ पे थोड़े एक्चुएटर्स वगैरह थे जो SSLV के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, SSLV का नॉजल हिलाने के लिए। लेफ्ट में आपको मोटर दिखेगा, बीच में व्योममित्रा का हाथ। मोटर में शायद पैराशूट्स वगैरह स्टोर होते हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ। अगर कोई है इसरो का कमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं ये पर्टिकुलर मोटर किसके लिए था तो अच्छा होगा। ये SSLV का मॉडल, आई होप ऐसा मॉडल मिले जो मैं अपने घर के हॉल में रख सकूं, सही होगा। यहाँ पे इंजिन्स है, ये काफ़ी कूल इंजिन्स है। आपको दिखेगा सबसे बड़ा जो है वो PS4 इंजन है। PS4 मतलब PSLV Stage 4, तो PSLV Stage 4 पे दो इंजिन्स होते हैं, उसमें से एक मतलब वैसे वाला एक है ये। साइड में आप देखोगे 800 N का इंजन है। ये इंजन Chandrayaan-2 पे या जो विक्रम लैंडर है उसके ऊपर इस्तेमाल किया था। वैसे चार इंजन थे साइड में, बीच वाले का आई एम नॉट श्योर, वो थोड़ा अलग था। और ये छोटे 22 N थ्रस्टर सैटेलाइट्स और ओरिएंटेशन थ्रस्टर्स के लिए। अब ये देख सकते हो C-20 इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन 20 हाइड्रोलॉक्स इंजन है। ये काफ़ी कूल, काफ़ी अंडररेटेड, दुनिया का सबसे पावरफुल अपर स्टेज क्रायोजेनिक हाइड्रोलॉक्स इंजन। हाइड्रोलॉक्स, इससे पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन्स है पर हाइड्रोलॉक्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल करते वो, जैसे SpaceX का मर्लिन। ये आप देख सकते हो RLV का एक मॉडल, डिसेंट वाला मॉडल, जल्द ही लेक्स होने वाला है यानी लैंडिंग टेस्ट। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं हम, वो हेलीकॉप्टर से स्टैटिक टेस्ट कर रहे हैं पर लैंडिंग टेस्ट करना बाकी है। आप देख सकते हो 32 मीटर डीप स्पेस एंटेना जो मंगलयान वगैरह के साथ कम्युनिकेट करने इस्तेमाल होता है। मैं ऑब्वियसली, हम सब अंदर से बच्चे, मेरे को बटन सिलाने थे और उसका एक्टिवेशन वगैरह ऑन करना था, तो मैं वो सर से बोल रहा था कि मैं ऑन करूँ क्या, पर वो बोल रहे थे ऑलरेडी ऑन है, पर वो ऑन नहीं था आई गेस। तो हम दोनों कन्फ्यूज थे और हम दोनों रैंडमली बटन्स प्रेस करने लगे, बट सही थे ये जो थे स्टिल। ऑब्वियसली यार वो बटन्स दिखेंगे तो प्रेस करने का मन करेगा, राइट? सो अब क्या बोलूँ।
तो वही है। तो यहाँ इसरो के सब लोग काफ़ी सही था, आई मीन इसरो साइंटिस्ट का वही एक है कि ये लोग काफ़ी हम्बल होते हैं और एक मदरली फादरली फीलिंग आती है उनसे बात करते वक्त। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे फ्यूल टैंक्स और लैम इंजन मतलब लिक्विड अपोगी मोटर जो जी सेट वगैरह सैटेलाइट्स पे यूज़ होता है इंसर्शन के टाइम। अब यहाँ आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देख रहे हो, दूसरे सेंसर्स देख रहे हो, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ जो काफ़ी लोग क्यूरियस होंगे कि सर आप यहाँ आए और पर भी हमसे मिले नहीं, आपने अपडेट नहीं किया, मीटअप नहीं किया। देखो अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो काफ़ी लोगों को रूड लगेगा, स्पेशली बच्चों को, बट मुझे स्ट्रेंजर्स से मिलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है ये एंटरटेनमेंट कैटेगरी ने ये फैमिली आर माई सब्सक्राइबर्स आर माई फैमिली एंड आर्मी एंड ये सब करके वो कर दिया है। आई मीन ये सब नॉनसेंस उन्हें सूट करता है क्योंकि उस केस में वो खुद ही कंटेंट है, वो इंसान ही वो कंटेंट है। बट देखो मेरे केस में मैं ये सब मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल फेम नहीं चाहिए, कुछ भी अटेंशन नहीं चाहिए, मेरे को बस एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, मेरे को मेरी प्राइवेसी चाहिए। ये सब मेरे को पसंद है इसलिए कर रहा हूँ और साइड बाय साइड थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लेता हूँ। तो बस इसलिए अगर आप मुझे कभी देखो तो प्लीज़ इग्नोर करो, क्योंकि मुझे नहीं इंटरेस्ट है स्ट्रेंजर्स से मिलने में। ये फैंस, ये सब सुपर फैन एंड बिग फैन, भाई वो बहुत क्रिंज लगता है मेरे को, एंड मेरे मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी अग्री भी करती है इसके साथ, तो मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नए लोग हैं जो रिसेंटली सब्सक्राइब वगैरह किए हैं उनके लिए स्पेसिफिकली, तो आई होप आपने रूडली नहीं लिया हो। पर देखो यार, साइंस का फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड जिसमें हम वीडियोस बनाते हैं, इसे थोड़ा क्लीन रखते हैं, वो जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी का कैंसर है इसे नहीं आने देते यहाँ पे। तो हाँ सॉरी इफ रूड लगा, बट क्या करूँ, मेरे को अच्छे वे में इसे बोलने की नहीं पता इसे कैसे अच्छी तरह डालूँ, जितना ऑनेस्ट हो सके उतना ऑनेस्ट था। और यहाँ पे थे कुछ HL के मॉडल्स, और स्पेसिफिकली मैंने कुछ लोगों से मिला भी जिन्हें मैंने इंट्रोड्यूस किया कि मैं GS हूँ करके, तो काफ़ी अच्छे लोग थे। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे हो, बट प्राइवेसी तो ये ठीक ठाक था मॉडल। बस ज्ञान की गरीब सबसे बड़ी, जय हिंद जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू मनोहरन, कार्तिकिया देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, नारायण प्रसाद, प्रदीप मोहनदास, आकाश पाटिल, अमित नंबियार, तन्मय देशपांडे, निशंत कुमार, विशाल भारत, पल्लव रानेडे, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल और रजत देशपांडे, थैंक यू।